वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक्सप्रेस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे UPSI का एग्ज़ाम आ चुका है, तो जैसे UPSI के लिए स्पेशल दोस्तों ये हिंदी साहित्य की क्लास है। हिंदी साहित्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है 50+ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो में, बाकी और करवाऊंगा लेकिन इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन रहेगा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आपको 100% में से दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन या 3 से 4 नंबर 100% फंसेंगे। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं, तो लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अच्छे से बढ़िया से। चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। कौन है तो इसका आंसर होगा आपका गारसा द तासी। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया। कितने तो इसका आंसर होगा 18। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है। कौन है तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया किया। तो किसके द्वारा तो इसका आंसर होगा मिश्र बंधु विनोद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है। तो किसे तो इसका आंसर होगा 84 की वार्ता। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ है। तो किस रूप में तो इसका आंसर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है। किस कवि ने की है तो इसका आंसर निराला ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है। किसे तो इसका नाम महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, रीत काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया। कितने तो इसका 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीत सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि कौन है। कौन है तो बिहारी हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली पर का प्रथम महाकाव्य कौन सा। कौन सा तो इनके प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर मैथिली शरद गुप्त। अगला क्वेश्चन, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है। किसने तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर नागेंद्र। तो दोस्तों वीडियो इसलिए मैं ऑनलाइनर में बनाया हूँ क्वेश्चन, क्योंकि जो है टाइम नहीं है आपके पास, तो इसलिए ऑनलाइनर का ही बना दिया हूँ। बाकी जो है और जो है इसलिए ऑप्शन नहीं बनाया हूँ, इसलिए ऑनलाइनर ही चला, क्योंकि टाइम नहीं है आप लोग के पास, तो उससे कि कल भी एग्ज़ाम है लोगों का, कई लोगों का। तो कामयानी के किस दर्शन की अभिव्यक्त हुई है। किसे तो इसका शैव दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है। किसे जाना है तो इसका आंसर होगा द्विवेदी काल को। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि भाग फर्स्ट में कितने निबंध है। कितने तो इसका आंसर 17। अगला क्वेश्चन, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो बताइए तो इसका आंसर राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। किस रचना पर तो इसका आंसर होगा कितने नावों में कितनी बार के लिए। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी। किस भाव की तो इसका नाम माध्र भाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है। कौन सा तो इसका नाम लोकायतन। अगला क्वेश्चन है, सूरदास ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया। कितने तो इसका 11 रूपों का। अगला क्वेश्चन, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कब किसने कहा। किसने कहा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है। किसके तो इसका आंसर रंग अर्जुन का। अगला क्वेश्चन है, युग धारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा नागार्जुन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, डाक बंगला किसका उपन्यास है? किसका, तो इसका कमलेश्वर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई? कब हुई, तो इसका आंसर होगा आपका 1951 में। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? कौन है, तो इसका जॉर्ज ग्रिसर्न। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य तो ऐतिहासिक साहित्यहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? किसे मिला, तो इसका रामचंद्र शुक्ल को। अगला क्वेश्चन, गारसा दा तासी ने इस्ट वार्क द ला लिटरेटू एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो दोस्तों चलिए, इसका आंसर होगा फ्रेंच भाषा में। मैं आपको पहले पढ़ दिया हूँ लेकिन चलो ठीक है, क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट होगा, तो फ्रेंच भाषा में की है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो अगला इसका आंसर होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीज पवन काल नाम से अभिहित किया है? तो किसने किया, तो इसका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो राहुल सांकेत यापन ने यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? किस नाम से, तो इसका नाम वीर गाथा काल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का वर्षवर्ण युग कहा गया? किस काल को, तो इसका नाम भक्ति काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन कृत ढोला मारू राडूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? किसके, तो इसका नाम लौकिक साहित्य का। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुईपा सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित? किस साहित्य, तो इसका नाम सिद्ध साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा, तो इसके पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन, आजकल की रूढ़ियों परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक की सहायता मिलती है? किसकी, तो इसका नाम प्राकृतिक पैंगलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? किसे, तो इसका चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासो काव्य परंपरा में गे काव्य कौन सा, तो इसका नाम बीसल देवरासो। अगला क्वेश्चन है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? किस प्रकार का, तो इसका आंसर है व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है, तो इसका अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृत माना गया है? तो किसे माना गया है, तो इसका आंसर होगा आपका राहुल बेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे? किस तरह, तो इसका नाम पहेलिया मुकरिया को। अगला क्वेश्चन, रामानंद किस भक्तिधारा के प्रमुख कवि है? किसके, तो इसका निर्गुण भक्तिधारा के। इसका आंसर होगा निर्गुण भक्तिधारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में है, तो 45 ही क्वेश्चन थे, तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मैं आपको सही से करवा दूंगा, ये पूरा करवा दूंगा टारगेट। तो दोस्तों जहां तक आई होप है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के पास, जो लोग का SI पेपर है प्रेजेंट टाइम में, प्लस UP टेट वोट के लिए भी काम आएगा, लेकिन बाकी मैं SI के लिए ही बनाया हूँ इस वीडियो को, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोग देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो जो कि हाल में जो है SI